नमस्कार दोस्तों दोस्तों श्रवण मास की अंतिम पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत तरह के तीज और त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक स्टोरीज भी छुपी होती हैं और साथ ही साथ कोई ना कोई पौराणिक कथा भी जुड़ी होती है। वैसे ही आज शरद पूर्णिमा मनाई जाती है दोस्तों, और शरद पूर्णिमा में हम क्या करते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों अगर हम इसके पौराणिक कथाओं पे जाएं तो दो कथाएं हैं, दो या तीन कथाएं हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि आज के दिन चंद्रमा जो होता है अपनी 16 कलाओं के साथ उत्पन्न होता है, यानी कि पूर्णिमा की रात है और वो बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है दोस्तों। तो उसकी कहीं ना कहीं अगर हम इसको साइंस से जोड़ें तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे इसकी जो रेस पड़ती है, जो किरणें आती हैं, वो इतनी पावरफुल होती है कि अरोगी किरणें भी इनको कहा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर ऐसे रिवाज बनाए, ऐसे नियम बनाए कि हम उनको फॉलो करें और किसी न किसी तरह इन किरणों का प्रभाव हमारे शरीर में हो। तो इसके लिए क्या मान्यता है दोस्तों, आज के दिन अगर आप देख रहे होंगे तो हर हिंदू घर में खीर बन रही होगी और खीर बनाने के बाद दोस्तों उसको ठंडा करके चंद्रमा को दिखाकर छलनी के साथ पूरी रात के लिए या कम से कम 3 बजे तक के लिए, प्रातः काल 3 बजे तक के लिए चंद्रमा की किरणों के नीचे खुला रख दिया जाता है, एक छलनी लगाई जाती है ताकि उसमें कोई कोई भी गलत चीज ना गिर जाए। उसके बाद प्रातः काल उठ के स्नान करके पूजा करके माँ लक्ष्मी को इस खीर का भोग लगाया जाता है और फिर इस प्रसाद को घर के हर मेंबर को दिया जाता है ताकि वो इसे ग्रहण करे और इसमें जो भी चंद्रमा की किरणों का प्रभाव आया है उससे हमारा शरीर निरोगी बने। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ उत्पन्न हुई थी। तो एक तरह से हम लक्ष्मी माँ के बर्थडे के रूप में भी इसको मनाते हैं, उनका जन्म दिवस हम इसको कहते हैं। और कहते हैं दोस्तों उसके बाद लक्ष्मी माँ अपने पति के पास, हरि जी के पास चली गई और उनके साथ ही रहने लगी समुद्र में। फिर दोस्तों जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है या चांद अपनी 16 कलाओं के साथ उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाता है, भक्तों का ऐसा बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है कि आज के दिन वो पृथ्वी पर विचरण करती है अपने पति देव के साथ। और कहते हैं दोस्तों कि आप किस तरीके से उनका वेलकम करते हैं, कैसे उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी आरतियां गाते हैं और उसी से प्रसन्न होकर वो आज आपको आशीर्वाद देती है। एक तरफ ये है दोस्तों और दूसरी तरफ कहते हैं कि कृष्ण जो है वो आज के दिन अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत चांदनी चारों तरफ बिखरी होती है कि एक बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ होता है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो हमारे पूरे देश में, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, विदेशों में रहने वाले लोग भी इसको बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं। दोस्तों आज के दिन कई लोग पूरी दिन व्रत भी करते हैं। अब ये व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। उस साहूकार की बहुत खूबसूरत दो बेटियां थी। छोटी छोटी बेटियां जैसे जैसे अपनी माँ को देखती वैसे वैसे ही वो भी भक्ति में संलग्न होती जाती। दोस्तों धीरे धीरे वो भी पूजा पाठ करती, हर काम करती, लेकिन साहूकार और उनकी पत्नी इस बात को ध्यान से देख रहे थे कि जहां बड़ी बेटी का ध्यान पूजा में बहुत ज्यादा लगता था और वो पूरे विधि विधान के साथ पूजा और व्रत को संपन्न करती थी, वहीं छोटी बेटी पूजा पाठ जरूर करती थी लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ देती थी।
खैर तब वो छोटे थे, इतना फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, और कुछ फर्क दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन दोनों कन्याओं की शादी हुई दोस्तों, वो दोनों अपने ससुराल गई, तो जहां बड़ी बेटी का घर बहुत संपन्न रहा और उसको बहुत जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वहीं छोटी बेटी के जितने बार बच्चे होते वो किसी न किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाते। छोटी बेटी बहुत दुखी रहने लगी दोस्तों, और एक बार जब शरद पूर्णिमा दोबारा से आई तो उससे पहले साहूकार उनकी पत्नी अपनी छोटी बेटी को लेके एक पंडित जी के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि इसको बहुत ज्यादा फल नहीं मिल रहा और उसके इसके जीवन में दुख ज्यादा है। तो कहते हैं दोस्तों, तब जाकर पंडित जी ने ये बात खोली कि इनकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, ये पूरे मन से पूजा को या व्रत को नहीं करती है, इस वजह से इसके जीवन में ये दुख है। दोस्तों ये व्रत कथा है, इसको व्रत कथा की तरह ही सुनिएगा। ये बात जानने के बाद दोस्तों सब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और छोटी बेटी अब शरद पूर्णिमा का इंतजार कर रही है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही उसका एक बेटा पैदा हो जाता है और पैदा होते ही फिर से वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है। वो बहुत दुखी हो जाती है दोस्तों, लेकिन उसका उसके दिमाग में एक बात आती है और वो बहुत आदर सम्मान के साथ अपनी बड़ी दीदी को अपने घर आमंत्रित करती है और उस दीदी के घर पहुंचने से पहले अपने बच्चे को जिस स्टूल में, जिस कुर्सी में उसकी दीदी को बैठाना होता है, उसमें अपने बच्चे को, अपने मृत बच्चे को लिटा देती है और उसके ऊपर एक चादर बिछा देती है। जो नवजात शिशु होता है दोस्तों, वो इतना छोटा होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप उसके ऊपर गलती से बैठ जाए। दीदी घर आती है और व्रत में होती है दोस्तों, और जैसे ही कुर्सी में बैठने वाली होती है कि उसके उसके जो कपड़े वो पहन के आई होती है, उसके छूने से वो बच्चा पुनः जीवित हो जाता है। छोटी बेटी बहुत खुश होती है और भगवान का धन्यवाद करती है कि उसने जो कुछ भी अपनी दीदी के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सच निकला। दोस्तों कहते हैं छोटी ने ये सोचा था कि शायद मेरे कर्मों का फल मेरे बच्चे भुगत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरी दीदी इन बच्चों को छू लेगी तो इन बच्चों को जीवन प्राप्त होगा। दीदी उससे बहुत नाराज होती है कि तेरी वजह से एक छोटा बालक मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तब वो जाकर अपनी दीदी को बताती है दोस्तों कि ये तो पहले से ही मृत था और आपके छूने से और आपकी भगवान के प्रति जो एक श्रद्धा है उसकी वजह से आज मेरा बच्चा मुझे वापस मिला है। उस दिन से कहते हैं दोस्तों इस व्रत की एक रीति शुरू हो गई और बहुत ही विधि विधान से, बहुत ही नियम के साथ इस व्रत को सारे देश में बहुत सारी महिलाएं करती हैं और रात को खीर बनाकर उसे प्रातः काल 3 बजे तक या पूरे सुबह तक, जब तक आपकी निद्रा नहीं खुलती है तब तक आप उसे चांद की छाया में रखते हैं, उसकी किरणों से उसे प्रभावित करवाते हैं और सुबह भोग लगाकर फिर आप सारे घर वालों को वो प्रसाद देते हैं। तो देखा दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी कहानियां जुड़ी हुई हैं हमारे हर त्योहार के साथ। इस वक्त रात हो रही है और शरद पूर्णिमा की रात है और मैंने खीर बना के सामने टेबल में रख दी है दोस्तों, और मैं आपको आज एक बात बताना चाहूंगी दोस्तों। पता है हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, वो आपके चाचा चाची हो सकते हैं, वो आपके सास ससुर हो सकते हैं, जब भी कभी वो आपको कोई पौराणिक कथा सुनाने की कोशिश करें या आपको आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी बात बताने की कोशिश करें दोस्तों, तो उसको बहुत ही श्रद्धा के साथ सुनिए और कोशिश करिए कि जिस तरह से आज तक वो लोग इस श्रद्धा वाले भावों को, इन पूजा पाठों को आगे बढ़ाते आए हैं, उसी प्रकार हम भी कोशिश करें, जब तक हो सकता है हम भी इन पूजा पाठ के सहारे आगे चले और फिर अपने आगे आने वाली जनरेशन को वो ट्रांसफर करें। यही एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जो हमारी संस्कृति को, हमारी खूबसूरत भारतीय संस्कृति, हमारी पूजा पाठ को सदियों सदियों तक आगे रहेगा। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं दोस्तों जिसको पूरा विश्व मानता है।
आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे विदेशी लोग हरे रामा हरे कृष्णा का चोगा पहनकर पूरे रास्ते में गाना बजाना करते हैं। आप देखते होंगे कि राम की कहानियां, रामायण की कहानियां बहुत सारे देशों में करी जाती है और बहुत सारे देशों में रामलीलाएं करी जाती है उनकी अपनी वहां की प्रादेशिक भाषा में। दोस्तों, काली माँ को माना जाता है, दुर्गा माँ को माना जाता है और वो इनका एक्चुअल रूप देखने के लिए कि किस तरीके से हम लोग पूजा पाठ करते हैं हमारे देशों में आते हैं और उसी टाइम पे आते हैं जब हम ये सारी पूजाएं करते हैं, फिर चाहे वो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो और या होली हो, कोई भी त्योहार हो। तो अपने देश पे गर्व कीजिए दोस्तों और अपने रीति रिवाजों को दिल से खुशी से मनाइए। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्दी फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।